पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तफाक कर लिया। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज दी थी। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज दी है। सराय का कहना है कि कौमी असेंबली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक असेंबली पर सदर मंजूरी ना दे तो असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। ख्याल रहे कि कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। असेंबली मुद्दत से कबल तहलील होने पर आम इंतखाबात कराने के लिए निगरान सेटअप 90 दिन के लिए आएगा। 13 जुलाई को कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म कहते हैं चीन ने पाकिस्तान को 600 मिलियन डॉलर रोल ओवर कर दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के ज़खायर में 600 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नौजवानों ने खेल के मैदान में पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। पूरी कौम मुल्क का नाम रोशन करने वालों को खराज तहसीन पेश करती है। उनका कहना था कि खेलों के शोबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नौजवानों की मेहनत और जदोजहद से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नौजवानों के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा वसाइल फ्राहम करेंगे। कामयाब खिलाड़ियों के वालिदैन और कोचेस को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा ट्रैफिक हादसे में जान बहक। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके 7th Avenue पर नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा तारिक की गाड़ी बेकाबू होकर खंबे से टकरा कर उलट गई। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक हादसे में तारिक फजल चौधरी का बेटा शदीद जख्मी हुआ, जिसे पंजा अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। वजीर खजाना कहते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत की मैनेजमेंट की वजह से मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया। वजीर खजाना ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 56 करोड़ डॉलर रहा है और हुकूमती काविशों से करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। जून में करंट अकाउंट सरप्लस 334 मिलियन डॉलर रहा। पिछले 4 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रहा और माली साल 2022-23 का करंट अकाउंट खसारा 2.56 अरब डॉलर रहा, जबकि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 14.65% कम हुआ। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत ने तमाम बैरूनी अदायगियों को वक्त पर किया है। हुकूमत ने यकीनी बनाया है कि डिफॉल्ट की पोजीशन की जरा सी भी नौबत ना आए। शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया।